इंदौर में हुए सीरो सर्वे में जो सामने आया कि लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जिसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है उनको कोरोना वायरस हो गया हो और उन्हें पता भी नहीं चला कब हुआ और कब ठीक हो गया। तो यह प्रसन्नता का विषय है क्योंकि इन लोगों में अब उससे लड़ने का रेजिस्टेंस है। यदि डॉक्टरी तौर पर मैं बात करूं तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है, एक देश के लिए, एक समाज के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन इसके क्या कारण हैं ये हम मेडिकली अभी नहीं कह सकते। हो सकता है कि हमको जो BCG वैक्सीन के डोसेज मिले हों वह एक कारण हो जिसकी वजह से हमें इतनी इम्यूनिटी थी कि कब हुआ और कब चला गया मालूम भी नहीं पड़ा और बॉडी में एंटीबॉडीज आ गई। या फिर हो सकता है कि हम बचपन से जो दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सेवन किए उसके कारण हो रहा है। कोई भी स्थापित रूप से अभी नहीं कह सकता कोरोना वायरस के विषय पर। इसलिए उल्लास की बात है, लेकिन जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो वैसे ही लेने हैं, चाहे वह मास्किंग का हो, चाहे वह सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे अधिक से अधिक स्टे होम का हो। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना वायरस चला गया। कोरोना वायरस कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। जब तक इसका टीका या इसका इलाज नहीं आता, यह हमारे बीच में ही है और इसकी लड़ाई केवल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और स्टे होम से ही हो सकती है।